तो है गाइस, आज मैं फिर से बर्ड अपडेट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि गाइस इसका जो बर्डी का बेबीज है ऑल हैच हो गया है, मतलब 5 बेबीज थी। पर एक बैड न्यूज भी है उसके साथ, वो मैं बोलूंगा एक वीडियो, आज का वीडियो में बोलूंगा। और गाइस फिंच का भी गुड न्यूज है, तो वीडियो को पूरा गाइस एंड तक देखना। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहले मैं कुछ चीज बता देता हूँ। ये जो पांचवा बेबी था ना, मतलब अंडा में, तो अंडा हैच होने के बाद क्या हुआ बेसिकली, पहले मैं बर्ड जिसको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो पांच नंबर में जो बेबी था वो क्या हुआ बेसिकली, जब अंडा हैच हो उसके बाद उसका मम्मी जो है, मतलब ब्लू कलर का जो फीमेल है, वो क्या हुआ उसका लूज मोशन लग गया। अब कैसे लगा मेरे को नहीं पता, मैं मेडिसिन दे रहा हूँ पानी के साथ मिला के, पर गाइस उसे कैसे लगा ये मेरे को अभी तक पता नहीं चला है। और गाइस ऐसा मैं कुछ दिया भी नहीं, सॉफ्ट फूड देखिए उसमें से खीरा देता हूँ कभी कभी, जो बीज उठा के दाना तो देता ही हूँ उसके बाद, और मिक्स डाल देता हूँ, और थोड़ा साग पत्ता ऐसा कुछ देता हूँ सॉफ्ट फूड में, ज्यादा कुछ देता भी नहीं। पर गाइस ऐसा क्यों हुआ ये मेरे को नहीं पता, आप लोग को पता है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, मे बी लास्ट बेबी के कारण या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा। सो गाइस बेसिकली अब क्या हुआ, उसका जो हंडी था उसके अंदर जब पूप करने लगा तो पूरा गीला गीला हो जाता था, बच्चा का पर पूरा शरीर में लग जाता था। अब देखिए शरीर में लगने से क्या होगा, बेसिकली क्या है, इन लोग का जब पड़ निकल रहा है ना, पड़ में अगर लग गया तो पड़ निकलना दिक्कत होगा, अगर ठोटो में लग गया तो वैसे ठोटो निकलना थोड़ा दिक्कत वाला बात होगा, अगर नाक में लग गया तो चोक हो सकता है, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। सो गाइस मैं उसमें से क्या किया, मैं सोचा पहले उन लोग को क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद जो है अंदर पूरा पेपर दे दूंगा अच्छा से, ताकि पेपर जो है पूरा सोक कर ले। पर उसमें से एक बैड न्यूज आ गया कि एकदम छोटा बच्चा जो था कल ही जन्म लिया था वो डेथ हो गया। अब क्यों डेथ हुआ ये भी मैं बताता हूँ। कल से जो है इसका मम्मी किसी को भी नहीं खिला रही थी, मतलब पूरा पेट खाली था, आज सुबह तक देखा खाली था, और बाकी जो है थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए उसे थोड़ा देर से फीडिंग करवाया इसलिए बच गया। पर ये जो है थोड़ा देर से भी फीडिंग करवाता तब भी मर जाता। मैं सुबह उठ के जब फोन लेके उसे देखा तब देखा उसका हालत ऐसे ही खराब था, उठ नहीं पा रहा था। तो मैं सोचा अब क्या करूं, मर गया होगा शायद, पर जब उसे निकाला बार तो देखा तब भी जिंदा है, तो मैं उसे फिर से रख दिया, पर फीडिंग नहीं देने के कारण मर गया। ये एक बहुत ही बैड न्यूज है, इसीलिए सुबह से मैं सैड हूं, और मैं चाहता हूं आप लोग को भी अपडेट दूं, क्योंकि ये आप लोग भी ये सिचुएशन फेस कर सकते हैं, इसलिए मैं बेसिकली ये सब का बता देता हूं। अब चलिए मैं एक प्रीवियसली वीडियो शूट करके रखा हूं मेरा बट जिस बेबीज के ऊपर जब हैच हुआ था, वो वीडियो मैं दिखाता हूं, क्योंकि गाइस अभी अगर दिखाऊंगा अभी एकदम हांडी पूरा गंदा, आप लोग अच्छा से देख नहीं पाएंगे। मैं बर्जी जब क्लीनिंग करूंगा वो भी दिखाऊंगा, क्लीनिंग करने के बाद पेपर रख के जब रखूंगा वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए जो मैं पहले प्री शूट करके रखा हूं वीडियो उसे आप लोग देख लीजिए, और गाइस देख लेने के बाद मैं और एक अपडेट आप लोग को दूंगा। गाइस इधर और एक गुड न्यूज है जो कि मेरा फिंच के ऊपर है। ये जो फिंच है, ये जो फिंच पेयर है, आप लोग पहले भी देखे हैं वीडियो में, इसका जो अंडा था पहले अनफर्टाइल था और एक फट गया था जो फर्टाइल था। अब जो है फिर से ये अंडा लेकर आना शुरू किया, और इसका नेस्टिंग मटेरियल अभी मैं बहुत दिया हूं, इधर से देखिए गाइस बहुत अच्छे से लगाया हूं इसे, और इधर ये जो है अभी बैठी हुई है 3 दिन से, अभी 3 ठो अंडा है। चलिए फ्लैश मार के दिखा देता हूं, नहीं तो थोड़ा काला दिखाएगा। ये देखिए गाइस दिखाई दे रहा होगा, ये अभी बैठी हुई है अंडा लेके, 3 ठो अंडा है, और गाइस ये जो मेल है इधर खाना लेके जाती है और इसे खिलाते हैं। और गाइस जो मैं बोलना चाहता हूँ, और गाइस जो अभी बच्ची हंडी क्लीनिंग करना दिखाऊंगा, बेबीज को क्लीनिंग करना, पर वो तो मैं निकालने का टाइम दिखा नहीं सकता ना, तो निकालने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
गाइस इसे जो है बेसिकली मैं अभी क्लीन कर रहा था, उसका वीडियो तो नहीं दिखा सकता मैं, ऐसे क्लीन कर रहा था, देखिए जो है पूप लगा हुआ है इधर उधर, इसलिए क्लीन कर रहा था। इसका जो मम्मी है जो बोला आप लोग को सिम्टम, इसलिए मैं क्लीन कर रहा था। सो गाइस इसलिए थोड़ा हंडी से बाहर निकला और एक को डेट हो गया तो मैं बोला ही। सो गाइस ये जो है फीडिंग भी कम्प्लीटेड है, आप लोग देख सकते हैं इसका जो मतलब क्रॉप है वो भरती है। सो गाइस यही है, ऐसे ही मैं इसे क्लीन करता हूँ। आप लोग अभी क्लीनिंग देख लिया, आप क्लीनिंग के बाद क्या कंडीशन है हंडी का वो मैं अभी दिखाता हूँ। तो चलिए पहले प्ले केज को जो है खोल लेता हूँ। सो गाइस इधर देख सकते हैं अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब पूप लगा के रख दिया है, क्योंकि थोड़ा फोकस मार लेता है, एक हाथ से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखिए गाइस अभी हो गया है फोकस, अभी देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा पूप है, पर गाइस ये क्लीन फिर से मैं कर दूंगा, वो दिक्कत वाला बात नहीं है। अभी ज्यादा पूप नहीं है, वीडियो में जितना दिखेगा उतना नहीं है। और इन लोग का जो देख सकते हैं क्रॉप भी है, भरती है, और इधर 4 बेबीज है। अनफॉर्चुनेटली एक जो है उसका डेथ हो गया, और मम्मी भी बैठी हुई है, और देख सकते पेपर में दे दिया हो ताकि सोक कर ले। और गाइस इसे मैं अभी अभी क्लीन किया हूँ, थोड़ा पानी लगा हुआ है इसलिए थोड़ा लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं क्लीन कर दूंगा अगर भर्ती हो जाए ज्यादा। और गाइस उतना भी अभी नहीं लगा है कि मतलब क्लीन करना नेसेसरी हो, और थोड़ा थोड़ा करके उड़ भी जाएगा। सो गाइस होप करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगे। और देखिए और एक बात, आप लोग जो बच्ची मतलब मदर के सामने जो बैठा है या बैठी है नहीं पता, उसका जो है देखिए आंख आ रहा है, मतलब आंख डेवलप करना शुरू हो गया, और उसका पर भी आना शुरू हो गया सामने वाला का भी। सो गाइस लेट्स सी का क्या होता है, अपडेट तो आप लोग को मिलेगा ही। और गाइस आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, लाइक भी ना कहीं मत जाना, और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ऐसा और वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो एंड करने से पहले एक बार और बच्ची को दिखा देता हूं, देखिए आप लोग। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को एक बार एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।